धान के कल से खा गए और क्या मदद नहीं गई, एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 लाख रुपया देती थी गरीबों, सामान्य मौत होती थी, हम 2 लाख रुपया देते थे और अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपया देते थे। ये बेईमान कमलनाथ सरकार गरीबों के कफन के भी 5000 खा गई, वो कफन के 5000 भी देना बंद कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये अन्याय है कि नहीं? अरे बोल के जोर से बताओ, अन्याय है कि नहीं? ये गरीबों के पैसे खाते, मेरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन के पैसा खाते, तीर्थ दर्शन यात्रा बंद करवा दी। कोई बद्रीनाथ जाता था, कोई रामेश्वरम जाता था, कोई द्वारकापुरी जाता था, कोई अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाता था। अब मैं उनके पैसे देता था, बुजुर्गो ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी, आपने तीर्थ दर्शन योजना भी बंद करवा दी। मेरे बुजुर्गों घबराना नहीं, जैसे ही कोरोना का संकट दूर हुआ, मामा फिर से तीर्थ यात्रा करवाने ट्रेनों में भिजवाएगा, कोई को चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मैं गिनाऊं तो सैकड़ों योजना जो पिछली सरकार ने बंद कर दी, कहा था 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ते का आता पता नहीं है, एक ने अब पैसा नहीं दिया। रोजगार के नाम पे बैंड बजाओ और ढोल चराओ जैसी योजनाएं लागू करने की कोशिश की, कितनी बातें आपको बताऊं, मुझे क्या दुख होता है मेरे बहन और भाई। भ्रष्टाचार चारों तरफ लूटपाट, और इसलिए कांग्रेस के लोगों ने विद्रोह किया और ये सरकार ने कही, यहाँ की बात अलग है, यहाँ मनोहर गुप्ता जी का स्वर्गवास हुआ इसलिए चुनाव हो रहे, लेकिन अधिकांश जगह कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और मेरे बहनों और भाइयों, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, करता हूं मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि आगर से भी मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं जब भी आगर आया जनता ने बड़ौद में आगर में आज भी आप जाते कितनी देर लगे, बड़ौद के दोनों तरफ सड़कों पर अपार जन समुदाय उमड़ा हुआ था और वहां से लेके इंदौर बांध से लेके जितने भी गांव पड़े जगह जगह लोग खड़े थे। मैं सब जगह पर्याप्त रुक भी नहीं पाया, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको वचन देता हूं, मैं सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजित होने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं आपकी सेवा करके मध्य प्रदेश की जनता का भाग्य और भविष्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री हूं। मेरी टीमें बैठी है, मेरे मंत्री साथी बैठे, कोई कसर हम फिर से बड़ौद और आगर के चुनाव में, बड़ौद और आगर के विकास में नहीं छोड़ेंगे। अलग अलग संगठनों ने मुझे आज ज्ञापन सौंपे, एक एक ज्ञापन मैं इस समय में बोल नहीं सकता, लेकिन जिनकी लंबित मांगे हैं, जायज मांगे हैं, मुझे बैंड वाले मिले, बैंड वाले बोले हम क्या करें मामा जी, हमारी भी तो सोचो। तो हमने तय किया बैंड वालों को भी 1 रुपया किलो राशन देना शुरू कर दिया जाएगा और उनको बैंड के लिए 10000 रुपया स्ट्रीट वेंडर कोटा में मिले उसका भी इंतजाम किया जाएगा। मेरे वो गरीब भाई और बहन जो आगर में बड़ौद में सुस्तैर में छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, कोई फल का ठेला लगाता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई मोती का काम करता है, कोई बाल काटता है, कोई दाढ़ी बनाता है, कोई कपड़े धोता है, चाय की गुमटी वालों, पान के गुमटे ठेले वालों, कबाड़ बीनने वालों, जितने भी मेरे कचौड़ी बनाने वालों, समोसे बनाने वालों, छोटा मोटा काम करने वाले बहनों और भाइयों, तुम भी सुन लो, कोरोना काल में तुमको संकट से बाहर निकालने के लिए हमने तय किया है कि 10000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देके जिसकी गारंटी हम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, तुम सब गरीबों का काम धंधा चालू करवाएंगे। ये गरीब कहां जाएंगे, बर्बाद हो गए कोरोना, काम धंधे ठप हो गए, और अब अगर किसी साहूकार के पास लोन देने जाए तो 18-20-25% ब्याज पे इनको कर्जा मिलता है, क्या इतने ब्याज का कर्जा ये चुका सकते हैं? इसे बिना ब्याज का कर्जा गारंटी और ये योजना भी कलेक्टर का है भाई, कलेक्टर इधर आ जाए, ये जो स्ट्रीट वेंडर वाली योजना है, सब गरीबों की आगर हो, बड़ौद हो, सुस्तैर हो, या जितने कस्बे हैं उन कस्बों में भी जो नगर पालिका नहीं है उन कस्बों में, यहां भी बहने इकट्ठी हुई होगी कई जगह। मेरी स्व सहायता समूह की बहनों चिंता मत करना, 1400 करोड़ रुपया दिलवा रहा हूं स्व सहायता समूहों को अलग अलग, ताकि मेरी स्व सहायता समूह की बहनें अलग अलग चीजें बनाए,
कोई आपका थोड़ा सा अचार बनाए, कोई बड़ी बनाए, कोई पापड़ बनाए, कोई सैनिटाइजर बनाए, कोई साबुन बनाए, कोई पीपी किट बनाए, कोई और अलग अलग काम धंधों में आए। मैं अपनी बहनों को गरीब नहीं रहने दूंगा, महिला सशक्तिकरण का काम पूरी ताकत के साथ किया जाएगा। और हमने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। बड़ौद वालों में आपसे भी कहना चाहता हूँ, आगर वालों से कहना चाहता हूँ, आगर जिला वालों से कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी प्राथमिकताएं हैं। 3 साल में मध्य प्रदेश की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलनी है। 3 साल में हम कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहने देंगे, सबको पक्का मकान बना के दिया जाएगा। नंबर 2, पीने का पानी और सिंचाई का पानी। पीने के पानी के लिए योजना तैयार है आपके यहाँ। आगर की सुसनेर की योजना मैंने स्वीकृत कर दी है, राशि से 500-700 करोड़ है मेरे विधान, 500 करोड़ से ज्यादा है। सुनो मेरी, 600 करोड़, हाँ सुनो मेरी, सुसनेर की बहनों, आगर की बहनों और बलोद की बहनों, 3 साल के अंदर अंदर तुम्हारे घर में नल लगा के टोटी वाला पाइपलाइन बिछा के पीने का पानी दिया जाएगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी बर्तनों में भरेगा। हैंड पंप नहीं चलाने दूंगा मेरी बहनों, मेरी बेटियों पानी भर भर के बट्टर हो गई, परेशान हो गई, कब तक बेटियां पानी भरेगी। उसके लिए पैसा स्वीकृत हो गया है, वो काम भी हम जल्दी प्रारंभ कर। कई ने मुझे कंप्लेंट की कि बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे, मामा मर गए, वो सारे बिजली के बिल गट्ठा बांध के मैंने पटक दिए। अगले महीना केवल 1 महीने का बिल आएगा, बाकी बिजली का बिल मामा सरल समाधान योजना से चुकाएगा। कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा। घर घर में शौचालय, पीने का पानी, उजाला रसोई गैस कनेक्शन, घर में सस्ती बिजली, ताकि गरीब की रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई लिखाई का बच्चों का इंतजाम ये पूरा किया जा सके। आपकी जिंदगी बदलना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज जब मैं यहाँ आया, मैं बोलना लंबे समय तक चाहता था लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन मुझे यहाँ लगातार जब मैं बाहर से आ रहा था, मुझे लगातार बांध के बारे में, अरे बांध का नाम क्या बता दो, बापचा डैम, अरे बनना जरूरी है कि नहीं, जोर समझना जरूरी है कि नहीं, तो बापचा डैम बनाया जाएगा ताकि किसानों को ठीक से पानी मिल सके। ग्राम सिरकोई में तालाब परियोजना का निर्माण आपने बताया है, प्रेशर पाइपलाइन सिस्टम की वो भी हम करेंगे। खनवास तालाब के लिए 5,70,00,000 रुपया स्वीकृत किया जाएगा। आगर विधानसभा में कुल 17 सड़कें 50 किलोमीटर की लंबाई की, उसमें 36 करोड़ लगेंगे, वो 36 करोड़ रुपया भी हम स्वीकृत करके उन सड़कों का निर्माण भी हम करवाएंगे। पुल पुलियों के लिए जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम धनराशि देने का काम करेंगे। 7 स्टॉपेज 7 करोड़ की लागत से वो भी अलग अलग जगह बनवाए जाएंगे। क्षेत्र में 7 BT सड़कें अलग से वो भी हम करेंगे। क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था के लिए 14 ट्रांसफार्मर की जरूरत है, वो 14 ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री सरोवर योजना के तहत 8 तालाबों का निर्माण 11 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा। मैंने सोयाबीन के नुकसान की बात पहले ही कर दी है, इसके अलावा कुछ स्कूलों के उन्नयन का और विधानसभा क्षेत्र आगर और सुसनेर में। अब मैं चाहता हूं छोटे मोटे उद्योग आए, वो जरूरी है रोजगार देने के लिए। और आज इसलिए मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि आगर में और सुसनेर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग भी और बाहर से आके भी छोटी छोटी फैक्ट्री लगा सके, जिसमें मेरे बच्चों को रोजगार मिल सके। और सुनो मेरे बेरोजगार बेटा बेटियों, अभी मैंने समीक्षा की है, बहुत जल्दी पुलिस की भर्ती, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की जा रही है, उसकी प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि जितने बच्चे हमारी नौकरियों में लग सके उनको भी हम नौकरी देने का, जॉब देने का काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, समय अब ज्यादा नहीं है, हम मन तो अभी भरे ही नहीं है, इच्छा होती है
कि आपके बीच में आज बड़ौद में ही रह जाऊं, लेकिन कल सवेरे विधानसभा है और इसलिए मुझे लौटना पड़ेगा, नहीं मैं तो बाई रोड भी चला जाता। लेकिन मेरा मन भी नहीं भरा, आपका भरा कि नहीं भरा? अरे जोर से बताओ, भरा कि नहीं? तो एक बार फिर, आज तो देरदार हो गई लेकिन जल्दी आऊंगा, तब विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, अंतिम बात है, ये सारे काम मैं तब करूंगा जब मैं मुख्यमंत्री परमानेंट बन जाऊंगा। अभी मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं। अगर ये सीटें उपचुनाव की नहीं जीती तो ये मुख्यमंत्री का टेम्परेरी रह जाएगा। आप बताओ, मामा को परमानेंट मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सब होना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए आकर जीतना जरूरी है। बेटी मिलूंगा तो, हाँ दो मिनट में मिलूंगा तुम्हें। और इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपका प्यार और आशीर्वाद इस क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, शिवराज सिंह चौहान को दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को दीजिए, और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, ताकि बताए सब काम मैं पूरे कर सकूं। बोलिए सब तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि यहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी को हम विजयी बनाएंगे, और इसके लिए हम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। सब तैयार हैं? ये भारत माता की, भारत माता की, बाबा बैजनाथ की, हर हर महादेव। सुनूंगा भांजियों को, दो एक भांजी आ जाए जल्दी से, आ जाओ दो मिनट जल्दी से। हेलो 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 भैया, दो का जहां मिली और अम्बा बड़ौद में हायर सेकेंडरी स्कूल खोल देंगे, ठीक है? और रह गए हो बहादुर सिंह जी।